हाय गाइस, मैं हूं शेख मुख्तार, आपका विदर्भ स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में फिर एक बार वेलकम करता हूं। तो गाइस, आज हम अपने ही सेटअप का वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने सेटअप में कितने पेयर लगाए हैं और कौन कौन से हैं वो सब आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, और हमारे सेटअप में एक बहुत सी अच्छी एक अपडेट हुई है, जो पुराने केजेस थे 25 के, वो पूरे सेल करके हमने 8 नए केज बनाए हैं, जो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और अच्छे से पेयरिंग की है। हमने 2 साल से अपने बर्ड्स को रोका था और कुछ हमारे फ्रेंड्स से लाए थे जो कॉकटेल के ही है। ये पूरा सेटअप आपको कॉकटेल का ही मिलेगा। तो माशाल्लाह, हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको दिखा होगा अल्बिनो का, इसमें नर और फीमेल दोनों भी अल्बिनो के हैं और ये 18 मंथ के हैं माशाल्लाह। और इन्होंने इससे पहले एक ले किए थे, अनफर्टाइल हो गए थे माशाल्लाह। देखिए, इनके भी साथ हम आगे जो भी अपडेट है शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट केज में। तो आपको दिख रहे हो गए एक लुटिनो का पेड़ है, जो मादी अंदर एक लेग की केवी है और इसमें ग्रे का नर है और वो पल की एक फीमेल है माशाल्लाह। ये दोनों ही ब्रीडर पेड़ है मेरे। और चलिए इसके साथ हम, और दोस्तों पहले कुछ बताने से पहले आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जो भी आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और चलिए दोस्तों, आते हैं हम नेक्स्ट केज में। ये चारकोल का नर है और वो लुटिनो में मैंने पर्ल की फीमेल है माशाल्लाह। ये भी मेरा ब्रीडर पेयर है। तो दोस्तों, टोटल हमारे पास कितने पेयर हैं और नए पेयरों की कहाँ पे मैंने पेयरिंग की है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आने वाली हैं। तो माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे होंगे, एक चारकोल का नर और लुटिनो की फीमेल है इसमें, और इसमें चिक्स वगैरह भी है। 4 चिक्स है, 2 मैंने सेल किए हैं एंटीम के लिए और ग्रे के 2 है अभी। हम नेक्स्ट आते हैं हमारे मास्टर के में, आने एक कॉलोनी है जो उससे पहले मेरे पास आपको नज़र आती होगी। इसमें भी 3 पेयर है दोस्तों, यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। चलो, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे दोस्तों। आपके साथ ब्रीडिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट केज में आते हैं। ये मेरा फुल्ली टेम अल्बिनो का पेड़ है माशाल्लाह। ये मेरे पास 2 से 3 साल से ब्रीड कर रहा है दोस्तों। इसके अभी ब्रीडिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपके साथ यानी कितने पेड़ है मेरे वो सर बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सनकनूर का एक पेड़ नजर आ रहा होगा आपको, एक मिनट मैं आपको अंदर से बता दूं। ये देखिए, और यहाँ पे एक है माशाल्लाह। इसका कलर और साइज वगैरह देखिए माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है। और ये हमारे दोस्त रवि भाई का है, उन्होंने मेरे पास रखा है थोड़े दिन के लिए। इसके बाद आते हैं हम, यहाँ पे भी आपको एक नजर आ रहा होगा, यानी चारकोल का नर है और ये शटल बैक लुटिनो में फीमेल है। ये बहुत ही एक उड़ रही है दोस्तों, मैं आपको दूसरे बता देता हूँ। चलो, बहुत ही खूबसूरत कलर है, फॉर्म में शटल बैक कहते हैं लुटिनो में से। तो दोस्तों, आपको मैं एक एक फिर की वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेगी, यानी इनकी भी एक ले करते सो और उनकी प्रोग्रेस ब्रीडिंग की माशाल्लाह। ये अमेरिकन अभी होल्ड किए हुए, इसमें सीमी एडल्ट और एडल्ट अल्बिनो के शटल बैक के और चारकोल के, यानी तकरीबन ये 7 पीस हैं जो मैंने अपने सेटअप के लिए कभी भी बैकअप रखना चाहिए दोस्तों, कोई नर फीमेल एक्सपायर हो सकती है इसलिए। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों, आपको नज़र आया होगा इसके यानी बैक साइड पे आपको बटरफ्लाई का मार्किंग, ये मिस मार्किंग में है और बहुत ही अच्छे पेड़ का स्प्लिट है दोस्तों। इसकी भी प्रोडक्शन, ये फुल्ली एडल्ट है पेड़, इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, हमारे अब मेन केज की तरफ आने से पहले और एक लास्ट वन केज है, यहाँ पे आपको नजर आ रही लुटिनो की एक, ये भी बहुत से उड़ाई है दोस्तों यहाँ। ये देखिए लुटिनो की फीमेल है और यहाँ पे आपको चारकोल का नर है। तो दोस्तों, मेन आते हैं अपने सेटअप के मेन नए केजेस की तरफ।
जो ये एक्चुअली में 8 केज है, मगर हमने इसको समर यानी गर्मा के टाइम में हम उसको बीच में से एक पार्टीशन है दोस्तों वो निकाल दे तो ये बड़े फ्लाइंग केज बन जाएंगे। माशाल्लाह आपको इसका भी व्यू बताता चलो, दूर से देखिए दोस्तों पहले, यानी नीचे दो ये ऊपर दो है, और आपको यहाँ पे भी नीचे दो ऊपर दो, टोटल 8 पेयर है। ये जो नई पेयरिंग है दोस्तों आपके साथ शेयर करता चलो, फर्स्ट केज के तरफ आएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, यानी बहुत ही खूबसूरत और हेवी साइज में चारकोल का नर है, और ये पर्ल की फीमेल है, फुल्ली एडल्ट है दोस्तों, ये 18 मंथ के है ये भी। इनके साथ अब आपके साथ इसकी ब्रीड भी शेयर करेंगे। जो भी दोस्तों नए हैं इस वीडियो पे गाइस, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए दोस्तों ये आपको अल्बिनो की फीमेल है और चारकोल का माशाल्लाह नर है, ये भी 17 से 18 महीने के लिए, ये भी फुल्ली एडल्ट है। ये दो हो गए दोस्तों, ये नई पेयरिंग है दोस्तों मेरे सेटअप में। इसके बाद हम आएंगे नीचे की जानी, ये तकरीबन मेरे घर के ही पट्टे हैं दोस्तों, ये भी 17 से 18 महीने के हैं, ये आपको लुटीने के दो नजर आ रहे होंगे, ये यानी नर और फीमेल दोनों भी लुटीनो है माशाल्लाह। इसकी भी हमने भी नई पेयरिंग की है दोस्तों, लुटीनो की भी बहुत ज्यादा मांग रहती है, इसलिए हमने 2-3 पेयर लुटीनो के भी लगाए हैं। और उसके बाद और एक नीचे वाले केज में आएंगे जो आपको नजर आ रहे होंगे, ये शटल बैग यानी पाइड भी कहते हैं लुटिनो में, और ये लुटिनो की फीमेल है माशाल्लाह, ये भी फुल्ली एडल्ट है दोस्तों। तो गाइस आपको नजर आ रहे होंगे ये दो पेयर हमने क्यों लगाए हैं, यानी इसकी वजह ये भी स्प्लिट है, यानी कुछ अल्बिनो में स्प्लिट्स है, हमने स्प्लिट पे काम किया है वर्किंग के लिए, और हमारे यहाँ मेन ये बहुत ही खूबसूरत पेयर है दोस्तों माशाल्लाह, जरूर कहिए गाइस। ये शटल बैग का नर नजर आ रहा होगा आपको, और अल्बिनो की फीमेल है। तो गाइस ये आपको पांचवा नया पेयर आपके सामने सेट करते हुए बताया, इसकी भी ब्रीडिंग हम लेते हुए बताएंगे, ये भी 15, 16, 17 महीने की, यानी तकरीबन 1.5 साल के करीब करीब पूरे पेयर है। चारकोल का इसमें नर है और अल्बिनो की फीमेल नजर आ रही होगी आपको। मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं कितने फिर से ब्रीडिंग ले रहा हूँ वो बताता चलूँ, उसके बाद इनकी यानी जो भी हमें डिवॉर्मिंग रंदे, विटामिन रंदे या जो भी मेडिसिन आपसे वो भी शेयर करूँगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों, ये चारकोल का नर है और ये लुटिनो की फीमेल है, मगर स्प्लिट है अल्बिनो में निकली हुई माशाल्लाह। देखिए दोस्तों उसका कलर वगैरह बहुत ही खूबसूरत, ये भी 18 से 17 महीने के दरमियान की है, और जस्ट सेकंड में। तो गाइस ये लास्ट वाले केज में आएंगे हम, लास्ट वाले केज में मसला ये है कि इसमें दो फीमेल एक नर है, यानी ये अडल्ट है, इसलिए दोस्तों मुझे एक नर की जरूरत है, इसलिए मैंने यानी अभी ये न्यू पेयरिंग होने के लिए है, इसलिए मैंने दो फीमेल एक नर इसमें छोड़ा है। तो गाइस ये टोटल मेरे पास 21 ब्रीडिंग पे है, और 5 से 6 पेयर होल्डिंग पे है अभी। तो गाइस हम जो भी आपके साथ इसकी ब्रीडिंग वगैरह, जो भी आपके साथ जितनी भी प्रोग्रेस होगी और मेडिसिन वगैरह उनको कैसा कैसा देना है, डिवॉर्मिंग कैसा करना है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस तकरीबन मैंने ब्रीडिंग रोक दी है, अब आने वाली वीडियो में आपको पहले मैं डिवॉर्मिंग कैसा करना चाहिए, उससे पहले लीवर टॉनिंग, और उसके बाद में डिवॉर्मिंग के लिए कौन सी टॉनिक है, यानी कौन से मेडिसिन है आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, आने वाले बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंफॉर्मेशन भरे वीडियो रहेंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे। जो 21 पेयर का मेरा ब्रीडिंग सेटअप है कॉकटेल का, और मैंने कुछ यानी अपने सिर्फ खूबसूरती के लिए बजीज मेरा शौक है दोस्तों, बजीज भी मेरे कम बहुत सारे थे, मैंने कम कर दिया है, सिर्फ ब्रीडिंग 3 पेयर है मेरे पास, शायद ये बॉक्स के अंदर है, एक मिनट दोस्तों,
यहाँ पे नरवार आया है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए। और इतना कहते हुए मैं आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहता हूँ, नए इन्फॉर्मेशन और नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।